श्री सोनो भारद्वाज जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सदन के आगे दो और हमने याचिका समिति की रिपोर्ट्स सदन के मेंबर्स के सामने रखी है, और ये जो रिपोर्ट हैं, पहली रिपोर्ट तो वृद्धावस्था पेंशन के विषय में है। मुझे याद है, और हमारे जितने विधायक साथी यहाँ पे बैठे हैं उनको ये बात याद होगी, दिवाली से पहले हर विधायक के कार्यालय में, हर विधायक के ऑफिस में, विधायक बाजार में मिल जाए, गली में मिल जाए, किसी फंक्शन में मिल जाए, हर जगह बुजुर्ग विधायकों को ये बात कह रहे थे कि भाई हमारी दो दो तीन तीन महीने हो गई, हमारी पेंशन नहीं आई। पूरा दशहरे के समय, नवरात्रों के समय रामलीलाओं में जाते थे अध्यक्ष जी, जो बुजुर्ग मिलता था वो ये कहता था भाई पेंशन नहीं आई। अब आप सोचिए कि एक विधायक क्या करे और उसका क्या समाधान दे अगर आपके पास बुजुर्ग बोले कि भाई मेरी पेंशन नहीं आई, दूसरा बुजुर्ग की तरफ आप देखो वो कहे जी मेरी भी नहीं आई। दिल्ली के अंदर लाखों लोग, जब सब लोग नवरात्रे मना रहे थे, जो गरीब बुजुर्ग हैं हमारी दिल्ली में, उनके भी नाती पोते घर आते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि चलो अब नाती पोते घर आए, कुछ मैं अपनी पेंशन से कुछ इनको 10 रुपये 20 रुपये की कुछ चीज़ दिला दूँ, कोई बेटी घर आई है तो उसके हाथ में 100 रुपये रख दूँ, यही बुजुर्गों का काम होता है और वो इस पेंशन के ऊपर आश्रित होते हैं। हमारी कमेटी के अंदर एक ऐसी महिला भी आई जिसने ये बताया कि मेरे पति को कैंसर है और मैं उनका सफदरजंग में अस्पताल में इलाज करा रही हूँ, मैं उनके इलाज के लिए ऑटो से जाना चाहती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इलाज करा लूँ, इतनी हालत खराब होती है। और विधायक जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पूछते हैं कि भाई पेंशन क्यों नहीं आ रही, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट मुझे लगता है अपने आप में सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो वो है जो वृद्धावस्था की पेंशन देता है, जो निराश्रित महिलाएं होती हैं उनकी पेंशन मिलती है, जो हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांग विकलांग, उनकी पेंशन देता है, मतलब जो आदमी सबसे ज्यादा मजबूर है उनकी मदद करने का काम सरकार करती है इन डिपार्टमेंट्स के हवाले से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास के जो विभाग की तरफ से। और जब लोग, जरूरतमंद लोग इन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लाजपत नगर का ऑफिस है और बाकी विधायक भी अपने अपने ऑफिसों के बारे में बताएंगे, इतनी बदतमीजी से अधिकारी उनसे बात करते हैं, अगर विधायक का कोई खत उनको मिल जाए तो खत को उठा के साइड में रख देते हैं, कोई उनके मन में संवेदनशीलता नहीं है उन बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, बेचारी विधवा औरतों के लिए, अपंग बच्चों के लिए, कोई उनके मन में संवेदना नहीं है। और ये मामला जो है हमारे पास 21 अक्टूबर को आया, मुझे याद है शायद 24 या 23 की दिवाली थी अध्यक्ष जी, और हमने तुरंत ये मीटिंग इसलिए रखी, हमने कहा कि यार कम से कम ऐसा तो हो कि दिवाली तक इन बुजुर्गों को पेंशन मिल जाए। और हमने पता किया तो ये पेंशन 3 महीने से रोकी हुई थी अध्यक्ष जी, ये जो खुद डिपार्टमेंट ने हमें बताया समिति के आगे कि 3 महीने से जो है ये पेंशन कुछ कारणों से रुकी हुई है। अब हमने सोचा कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा कारण होगा, सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ रहा, सरकार के पास पैसे की कमी है, क्या कारण है? तो अध्यक्ष जी अगर आपको मैं कारण बताऊंगा, क्योंकि ये कारण बहुत जरूरी है दिल्ली के विधायकों को जानना और दिल्ली की जनता को जानना कि किन कारणों से आपने 3-3 महीने तक बुजुर्गों को सताया। दिल्ली सरकार 2000 रुपये पेंशन देती है 70 साल के बुजुर्ग को, और 70 से ऊपर वाले बुजुर्ग को 2500 रुपये पेंशन देती है। अब उस बुजुर्ग को सताने के लिए क्या किया गया? एक नई अफसर आई इस डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर हैं पूजा जोशी। अब उन्होंने 2009 की एक गजट नोटिफिकेशन निकाली 2022 में। देखिए अध्यक्ष जी दिमाग देखिए कितना दौड़ता है इनका, इतना दिमाग दौड़ाते हैं। 2009 की गजट की नोटिफिकेशन निकाली और बोले कि भाई ये जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ये हमारे यहाँ हेडक्वार्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, और हम तो हेडक्वार्टर से सैंक्शन कर रहे हैं, गलत है, तो ये डिस्ट्रिक्ट से सैंक्शन होनी चाहिए, और इसकी फाइल चला दी। और इस फाइल को चलाने के बाद बैठ गए। अब डिस्ट्रिक्ट वाले कह रहे हैं जी हम क्यों चलाएंगे, हमारे पास तो
ना इसकी जो है सुविधा है, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे ऑफिस के अंदर इसके लिए बाकी चीज़ें हैं, ना स्टाफ है, हम तो कर ही नहीं सकते। अब ये हेडक्वार्टर वाले और डिस्ट्रिक्ट वाले लड़ रहे हैं, फाइल फाइल खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं तुम दे दो, वो कह रहे हैं तुम दे दो, और नीचे जो गरीब बुजुर्ग है वो जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा है, विधायकों के यहाँ चक्कर लगा रहा है, ना विधायक को पता, ना सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट का कोई अफसर बताने को तैयार है कि मामला क्या है। अब जब उन गरिमा गुप्ता जी से पूछा कि भाई 2009 से ये व्यवस्था चल रही थी, वो भी तो अफसर ही थे आपसे पहले, वो भी तो IAS अधिकारी थे जो चला रहे थे, आपसे सीनियर थे, ये व्यवस्था जो है 15 साल से चल रही थी, ठीक चल रही थी, आप आए आप किसके अंदर नई व्यवस्था लाने लगे, चलिए आप नई व्यवस्था भी ले आइए, मगर आपने पुरानी क्यों बंद कर दी? भाई जब तक आपकी नई लागू नहीं होगी पुरानी कोई ना बंद कर दोगे आप? सेम वही चीज जो कल आपने देखा कि अस्पतालों में की, कि एक नई व्यवस्था ले आओ और पुरानी को ठप कर दो, और जब तक नई नहीं आएगी नई और पुरानी के बीच में जनता को जो है परेशान करो, और जनता को क्यों परेशान करो? ताकि अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, कहा जाए कि देखो दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने परेशानी कर दी। अब क्या कहेगा कोई बुजुर्ग आदमी जिसको 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है अध्यक्ष जी, वो क्या जानता है पूजा जोशी का नाम? कौन पूजा जोशी? उसको तो नहीं मालूम, वो तो एक जानता है कि जी मेरे विधायक का नाम जो है दिनेश मोनिया है, मेरे विधायक का नाम तो राजेश गुप्ता है, जरनैल सिंह ने पेंशन लगवाई थी, अब पेंशन नहीं आ रही 3 महीने से, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर अफसर ये भी कह रहे हैं कि आपके विधायकों ने रुकवा रखी है, ऐसे भी हैं कि जाओ अपने विधायक से पूछो, ये आप पूछ लो, जितने भी यहां विधायक बैठे हैं ये सोशल वेलफेयर के डिस्ट्रिक्ट में जो अफसर बैठे हैं इन्होंने, वो ये कहते हैं यहां बताओ विधायक के पास जाओ। अरे विधायक क्या कोई कोई कागज पत्री लेके बैठा हुआ है क्या? विधायक के पास क्या पता कि तुम क्या खेल खेल रहे हो ऊपर? तो नीचे से जानबूझ के पब्लिक को भगा दिया जाता है कि तुम विधायक के पास जाओ, विधायक उनको समझाते हैं कि जी हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और नीचे ये खेल चलता रहता है। तो हमने इनको बुलाया पूजा जोशी जी को, हमने इनसे सवाल पूछे कि भाई आप नया सिस्टम ला रहे थे बट पुराना क्यों बंद कर दिया? तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके साथ एक और अफसर थे नवलिंदर, उनके शायद डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने कमिटी को बताया कि हाँ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पुराना सिस्टम रखना चाहिए था फिर नया लाना चाहिए था। तो पूजा जोशी हमारे सामने उस अफसर को आंख दिखा रही थी, हमारे सामने समिति में उनकी तरफ शक्ल बना रही थी कि तू क्यों बता रहा। हम हैरान थे, और अध्यक्ष जी क्या किया उसके बाद? LG साहब ने वो अफसर का तबादला कर दिया वहां से। अगली बार जब समिति की मीटिंग में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आया, हमने कहा वो अफसर कहाँ है नवलिंदर, वो थे ही नहीं उसमें, क्योंकि उनका तबादला कर दिया। ये हाल है दिल्ली सरकार के अंदर तबादलों का, कि जो अफसर काम रोकेगा वो तो उस पद पे रहेगा, जो प्रॉमिस कर देगा कि जी मैं इससे भी अच्छा रोक दूंगा तो कहेगा तू आ जाओ, और जो अफसर थोड़ा भी काम करना चाहता है उसका तबादला करा जा रहा है। अभी तबादले किसके हाथ में अध्यक्ष जी? LG साहब के हाथ में है। क्यों इस तरीके से तबादले किए जा रहे हैं कि जो अफसर काम कर रहा है उसको हटा दो, जो अफसर काम नहीं कर रहा उसको वहां लगा दो? ये तो षड्यंत्र है और दिल्ली की सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। तो नवलिंदर साहब को जो है हटा दिया गया, और फिर पूजा जोशी जी से कई सवाल पूछे गए कि भाई आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है ये काम नहीं करते, तो बोले जी आप लिख के दे दो तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने लिख के दिया, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो हमने इस समिति के अंदर, खैर वो जब हमने दिवाली को से पहले मीटिंग की तो वो पैसा उन्होंने दिवाली पे रिलीज कर दिया, और उसके बाद जो है पैसा एक दो बार तो डिले होके आया। अब उन्होंने हमारे आगे ये अपनी अंडरटेकिंग दी है कि हर महीने 5 से 8 तारीख के बीच में पिछले महीने की जो है पेंशन आ जाया करेगी। यानी कि इन्होंने इस बार जब ये आए थे तो इन्होंने कमिटमेंट दिया था हमें कि January 8 से पहले इन्होंने दिसंबर की पेंशन डिस्पर्स कर दी है, अब February 8 से पहले ये जनवरी की पेंशन डिस्पर्स करेंगे। कमेटी इनको देख रही है, अगर नहीं करेंगे तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अध्यक्ष जी एक मामला तो ये पेंशन से संबंधित था, जिसमें एक पूरे षड्यंत्र के तरीके से जो है दिल्ली के बुजुर्ग लोगों को सताया गया,
दिल्ली की विधवा औरतों को सताया गया, दिल्ली के विकलांग बच्चों को जो है सताया गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपने राजनीतिक कारणों से इतना गिरेगा या कभी गिरा होगा कि इस ये काम रोक लो, ये काम रोक लो, ये काम रोक लो। दिवाली, दशहरे, नवरात्र के समय में लोग तो दान करते हैं कि कोई गरीब मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसका कुछ अच्छा कर दिया जाए, भगवान जो है पुण्य देगा। और ये लोग ये जो है षड्यंत्र जो है हमारे वो कर रहे थे। तो इसके अंदर हमने जो सिफारिश की है वो की है, एक तो कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मिस्टर पांडे, उनका नाम जो है, हाँ साउथ वाला, आपको कोई तारीफ करनी है तो कर दो, बहुत बदमाश है। और अध्यक्ष जी जब विकास पांडे नाम है, और अध्यक्ष जी देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई अफसर गड़बड़ी कर रहा है तो हर विधायक जानता है कि वो गड़बड़ अफसर है। तो ये विकास पांडे हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर साउथ विकास पांडे। एक तो इनके लिए सिफारिश की है समिति ने कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक पूजा जोशी हैं, जिन्होंने जो है सब कुछ जानते हुए बुजुर्गों को सताया, परेशान किया, सरकार को बदनाम किया, साजिश की, उनके ऊपर शिकायत सिफारिश की हमने, शिकायत की। और तीसरे जो है इनके सरगना, वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं नरेश कुमार जी, जिनको सब कुछ मालूम होते हुए भी, हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी रहते हुए भी, उन्होंने इन तरीके के गड़बड़ करने वाले अफसरों को संरक्षण दिया और आज भी उनको संरक्षण दे रहे हैं। उनके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस दिन समिति ने उनसे पूछा कि क्या आपने अब तक कोई कार्रवाई की, तो तब तक तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर वो कार्रवाई करते हैं तो समिति जो है उस चीज़ को भी जो है संज्ञान में लेगी, मगर अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक तो अध्यक्ष जी ये है। दूसरा मामला जो है वो मोहल्ला क्लिनिक्स का है। मोहल्ला क्लिनिक, अध्यक्ष जी सब लोग जानते हैं, देश विदेश से अगर कोई आदमी दिल्ली के अंदर आता है तो वो मोहल्ला क्लिनिक ज़रूर एक बार देखता है। तेलंगाना से हो, तमिलनाडु से हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ से अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक को देखकर अपने अपने राज्य में उसका अनुसरण कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। मोहल्ला क्लिनिक जो है वो एक तरीके से पर्याय है आम आदमी पार्टी की दिल्ली मॉडल का। अगर कोई पूछे कि भाई आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल क्या है, तो कहेंगे स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक हमेशा आएगा। और ये मोहल्ला क्लिनिक जो है एक एक तरीके का पॉलिटिकल बदला लेने का एक अखाड़ा बन गया है कि जो जांच करानी हो मोहल्ला क्लिनिक पे कराया जाए, कहीं पे कुछ रुकवाना हो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर रुकवाया गया। अध्यक्ष जी एमसीडी के चुनाव दिसंबर में हुए दिल्ली में, और इससे 2-3 महीने पहले मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की तनख्वाह देनी बंद कर दी गई। एमसीडी चुनाव से एन पहले मोहल्ला क्लिनिक में जहां पे फ्री टेस्ट होते हैं, जहां पे ज्यादातर लोग इसलिए जाते हैं कि यहां पे फ्री टेस्ट हो जाएंगे, वो टेस्ट करने बंद कर दिए। उसकी जांच कराई हमने, पता चला कि टेस्ट इसलिए बंद हो गए क्योंकि जो कंपनी टेस्ट करती है, जो लेबोरेटरी है प्राइवेट, उनको सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कह रहे कि भाई हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाजत मांगी थी, पैसा मांगा था सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, फाइनेंस ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं दी? डॉक्टरों की तनख्वाह इसलिए नहीं दी क्योंकि फाइनेंस से सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगी थी, वो उन्होंने नहीं दी तो बंद हो गया। अब अध्यक्ष जी ये बड़ा साधारण सी बात है, मैं ईएमआई देता हूं मान लीजिए अपने घर की, तो मेरी एक कैलकुलेशन है, मेरे को हर महीने तनख्वाह मिलेगी, मैं हर महीने ईएमआई दूंगा। ऐसे ही हर विभाग की एक कैलकुलेशन है कि हम एक अपनी इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, फर्स्ट मांगेंगे, सेकंड मांगेंगे, थर्ड मांगेंगे, वो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, आप जो है आगे का खर्चा दोगे। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है दिल्ली सरकार के मिस्टर आशीष चंद्र वर्मा, उन्होंने इतने बारीकी से षड्यंत्र रचे दिल्ली सरकार के खिलाफ कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी, जो मांग आएगी, जो डिमांड आएगी, उस सेकंड इंस्टॉलमेंट को किसी ना किसी बात पर रोक लिया जाए। तो यहां पर कैसे रोका? यहां पे उन्होंने कहा कि भाई अब आप अध्यक्ष जी समझिए, 2015 से मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, हर बार फाइल इंस्टॉलमेंट के लिए जाती है, फाइनेंस से पैसा आ जाता है। मगर 2022 में जब ये फाइल चली और फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंची तो फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन लगाया,
पहले तो ये फाइल ही 2 महीने में पहुंची, हेल्थ से घूमती घामती जो है ये फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पहुंची, आशीष चंद्र वर्मा जी के पास। और जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि अरे मोहल्ला क्लिनिक के लिए पैसा चाहिए तुम्हें, मगर इसके अंदर कैबिनेट नोट नहीं है। सोचिए अध्यक्ष जी, 2015 से चल रहा है मोहल्ला क्लिनिक, अब इन्हें 2022 में उसका कैबिनेट नोट चाहिए। और कैबिनेट नोट है तो डाउनलोड कर लो, वो तो सब वेबसाइट पे है। और जितनी भी कैबिनेट होती है उनके अंदर जो भी फैसले होते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट में हर बार जाते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के बिना तो कैबिनेट में कोई नोट ही नहीं आता, और कैबिनेट में पास होने के बाद भी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसकी कॉपी जाती है, लॉ में जाती है। आप क्यों मांग रहे हो जो चीज आपके पास है? तो उन्होंने जो चीज उपलब्ध है वो चीज उन्होंने दोबारा मांगी, और वो चीज भी तुरंत नहीं दी गई अध्यक्ष जी। वो कैबिनेट नोट मोहल्ला क्लिनिक का हेल्थ सेक्रेटरी के पास पहुंचा फाइल, फिर हेल्थ सेक्रेटरी ने नीचे दी मोहल्ला क्लिनिक तक। मोहल्ला क्लिनिक के लेवल पे वो कैबिनेट नोट लगाया गया, वो फाइल हेल्थ सेक्रेटरी को भेजी गई, और फिर वो फाइनेंस सेक्रेटरी को भेजी गई। इसके अंदर 1.5 महीना और लगा दिया। तो सिर्फ एक मामूली सी चीज के लिए इन्होंने 3 महीने तक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पैसा रोक दिया, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी, टेस्ट रोक दिए, दवाइयां रोक दी। और अध्यक्ष जी, इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जो अस्पतालों की, जो इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर डॉक्टरों की तनख्वाह है, जिसकी जरूरत मोहल्ला क्लिनिकों को थी, वो मात्र 11 करोड़ रुपए, सिर्फ 11 करोड़ रुपए, और हेल्थ डिपार्टमेंट के पास अनस्पेंट 70 करोड़ रुपए पड़ा था। ऐसा नहीं था कि हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहद जरूरत थी उस पैसे की जो फाइनेंस से मांग रहे थे। हेल्थ डिपार्टमेंट के पास 70 करोड़ रुपया अनस्पेंट पड़ा था, मगर वो पैसा फाइनेंस से मांग रहे थे। हमने उनसे पूछा, भाई तुमने अपना पैसा क्यों नहीं खर्च किया, तुम्हारे पास 70 करोड़ पड़ा था? तो उन्होंने बोला कि भाई इसकी भी जो परमिशन थी वो हमने जो है फाइनेंस से मांगी, जो कि मांगने की जरूरत नहीं थी अध्यक्ष जी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी परमिशन फाइनेंस से मांगी, और फाइनेंस के अंदर तो आशीष चंद्र वर्मा बैठे हैं, इन्हीं परमिशनों को रोकने के लिए बैठे हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास जो 70 करोड़ रुपया वो भी तुम नहीं खर्च करोगे जब तक मेरी परमिशन ना हो। तो अध्यक्ष जी, हर लेवल पे ये देखा गया कि ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आशीष चंद्र वर्मा, इन्होंने एक क्या कहते हैं, बहुत दुर्भावना से साजिश रची, षड्यंत्र रचा, और किसके खिलाफ रचा? चुनी हुई सरकार के खिलाफ रचा। अब चुनी हुई सरकार का खुद तो बिगाड़ नहीं सकते डायरेक्ट, वो क्या कर लेंगे। उन्होंने सोचा कि जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवाएं हैं, जो अविकलांग हैं, उनको किसी तरीके से परेशान किया जाए, 3-4 महीने उनको टॉर्चर किया जाए, उनको दुखी किया जाए। जब वो दुखी होंगे तो वो सरकार को गाली देंगे, और इसका फायदा हमें MCD चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। इस उद्देश्य से इतना घिनौना कृत्य जो है दिल्ली के बड़े बड़े IAS अधिकारियों ने रचा। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर जो है हमने कुछ अधिकारियों को दोषी पाया है अध्यक्ष जी। उनके नाम है हेल्थ सेक्रेटरी अमित सिंगला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा। इन दोनों ने भारी गड़बड़ी फैलाई, और इनको संरक्षण था दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी का, जिन्होंने सब कुछ होते हुए आंख बंद करके देखा, जैसे धृतराष्ट्र ने द्रौपदी का चीरहरण देखा आंख बंद करके, सब कुछ होने दिया। ऐसे जो है हमारे जो नरेश कुमार मुख्य सचिव हैं, इन्होंने सब कुछ होने दिया, और इसके ऊपर कोई उनकी जो है प्रक्रिया नहीं थी। उनको हमने 3 दर्जन अखबार की क्लिपिंग्स दिखाई कि ये छप रही है, अक्टूबर से अब तक आपने ये नहीं पढ़ी, और उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे अखबार में छपी नहीं। तो हमने उनको भी इसके अंदर जो है दोषी माना है, और हमने केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनसे भी सिफारिश की है कि इन दोनों मामलों में अध्यक्ष जी, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का हो चाहे पेंशन का हो, जो उपराज्यपाल महोदय है उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध पाई गई है। अफसरों ने हमें कमेटी के अंदर, जब हमने वो जो कॉन्फिडेंशियल क्लॉज है उसको इस्तेमाल करते हुए अफसरों से बात की, तो उसके अंदर अफसरों ने साफ लफ्जों के अंदर ये बात कही हमें कि जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, इन्होंने हमें डराया धमकाया,
और उपराज्यपाल महोदय के नाम से डराया धमकाया गया हमको कि अगर तुमने दिल्ली सरकार के काम नहीं रोके तो एलजी साहब के आदेश हैं, तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। और इस तरीके से चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र आपके सामने रचा गया। ये दोनों रिपोर्ट्स आपके सामने हैं अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।